नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। अपने बयानों को लेकर लगातार वो मीडिया लाइन में बने ही रहते हैं। इसी बीच अब बीते दिन फेसबुक लाइव के दौरान तेज प्रताप यादव ने भूत देखने की बात कही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब वो अपने संसदीय जिले यानी कि जब हसनपुर में अपना भाषण दे रहे थे, उस वक्त उन्होंने देखा कि ताड़ के पेड़ पर एक भूत उनका भाषण सुनने आया है, लेकिन उन्होंने तुरंत ही महादेव का जाप किया, जिसके बाद भूत भी सकपकाकर भाग गया। जिसके बाद से ये बयान उनके मीडिया लाइन में लगातार बनी हुई है। लोग जो है इस मुद्दे को लेकर तरह तरह की बातें भी अब करने लगे हैं। वहीं इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने लालू प्रसाद यादव का भी जिक्र किया है। लाइव के दौरान उन्होंने कहा कि लोग हमेशा ये समझते हैं कि लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव में बहुत सारी समानता है, कमोबेश मैं उनकी छवि हूँ, मेरा भाषण भी लालू प्रसाद यादव की तरह ही है। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने नए नेताओं को लेकर के भी अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि नया कुर्ता पजामा सिलवाने से और परफ्यूम लगाने से कोई नेता नहीं हो जाता। वहीं भूत वाली बात को लेकर के तेज प्रताप यादव ने क्या क्या कहा, इस वीडियो में सुनते हैं। कि हम एक सपना देखे हम तो सपना हमें हुआ क्या कि मंच है लगा हुआ और सीन है कहीं गांव देहात का, कहीं का सीन है, ठीक है। उस सपना में हम थे, मंच पे हम भाषण दे रहे थे। तब भाषण देते देते भीड़ सब, फिर क्या हुआ कि जब भाषण देते भीड़, जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो गाड़ी में हम बैठे। पहले हम एम्बेसडर गाड़ी से बहुत घूमते थे, एम्बेसडर गाड़ी में महुआ में भी जब हमने चुनाव में जब घूमने का काम किया तो उसमें हमने घूमने का काम किया। बोलो कि सपना भी आते रहता है। अब जो लोग हैं तो सब लोग सपना भी देखते रहते हैं, सब लोग। और कुछ लोग सपना देखते हैं कि हम भाई मंत्री बन गए हैं, तो कुछ लोग सपना देखते हैं कि हम विधायक बन गए, तो कुछ लोग सपना देखते हैं कि अरे महासचिव हम बन गए, अरे महासचिव हम बन गए, तो वो हो जाता। बहुत सारे लोग को होता है कि जब गद्दी मिल जाता है तो उस गद्दी का दुरुपयोग भी करने का लोग काम करते हैं। जिस कुर्सी पे अगर बैठ गए या जनता दिया तो वो जनता क्यों बैठाता है, क्योंकि अपना भरोसा करता है पूरा जनता कि हमारे लिए कुछ करने का काम करेगा। तो फिर हम एम्बेसडर से घूमे, फिर देखे सपना में कि एक नदी है, उसके किनारे बड़का ताड़ का पेड़ था। तो किसान लोग कुछ थे वहां, मतलब दूर दूर में किसान लोग थे। तो हुआ क्या कि हम जब उस खेत में उतरे, सुनसान है, कोई नहीं है खेत में, एक ताड़ का पेड़ है, बस एक ताड़ का पेड़। तो हम खेत देखने लगे, कई एक जगह हम गांव में हम जाते हैं तो ऐसे ही उतर जाते हैं कभी कभी, या चले भी जाते हैं। तो वहां जब हम गए तो तार का पेड़ था, तो हम पूरा देख रहे थे कि उस समय में वो था, धान उन रोपा हुआ था या कुछ था, बाजरे उजरे की या खेती कुछ की हुई थी वहां पे। तो हुआ क्या कि हम कुछ देर कुछ आगे बढ़े, पेड़ का जैसे ऐसे पेड़ था, तो कुछ दूर हम आगे बढ़े तो उतने में देख रहे हैं हम कि ताड़ का पेड़ में कि एगो भूत बैठा हुआ है। अब भूत हमको देख रहा है और हमको पकड़ने के लिए भी आ रहा है हमारे पास, कि देख लिया कि भाई अकेले हैं भाई, और हम काहे के लिए डरने जाए, चाहे भूत है चाहे जो हो, हम महादेव का नाम लिए तो भूत भागल जा रहा था उल्टा और ताड़ के पेड़ के ऊपर। तो जैसा आपने देखा कि वीडियो में तेज प्रताप यादव ने भूत को देखने की बात कही और सपने में भूत आने की बात भी कही है। इसके अलावा भी बीते दिन के लाइव सेशन में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इमली के पेड़ में जितने पत्ते होते हैं उससे नीतीश कुमार के घोटालों की तुलना की है। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जितने पत्ते इमली के पेड़ में देखने को मिलते हैं उतने ही घोटाले नीतीश कुमार के राज में हुए हैं। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि जिकरा हाथ में चक्का बा ओकरा जीत पक्का बा, ये कहावत जो है वो बचपन से सुनते आ रहे थे कि जिसको लालू प्रसाद यादव ने आगे बढ़ाने का काम किया है उन्होंने ही पत्ता काटने का काम किया है। हमको देखकर बहुत सारे जवान लोग भी बाल जो है बढ़वाते हैं और जब हम बाल कटवाते हैं तो वो भी बाल कटवा लेते हैं। पिताजी से हमारी बात राजनीति को लेकर लगातार होती रहती है। इसके साथ इस लाइव सेशन के दौरान 7 अगस्त को जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर के राजद की तरफ से निकाले जाने वाले विरोध पर भी उन्होंने अपनी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि 7 अगस्त को जातीय जनगणना के पक्ष में और बीजेपी के फैसले के खिलाफ जो है विरोध मार
मार्च निकाला जाएगा। इस दिन जातीय जनगणना बिहार में होनी चाहिए, इस बात को राजद प्रमुखता से रखेगा। आपको बता दें, जातीय जनगणना को लेकर लगातार जो है बिहार में मांग हो रही है, जहां पर पक्ष और विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, लेकिन सरकार के अंदर ही इस मुद्दे को लेकर दो धरों में जो है वो पूरी की पूरी जो एनडीए है वो बटी हुई नजर आ रही है। यानी कि बीजेपी जहां एक तरफ जातीय जनगणना की बात से साफ तौर पर इनकार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार समेत अन्य दल जातीय जनगणना पर जोर दे रहे हैं, जिसके बाद अब राजद भी 7 अगस्त को विरोध मार्च निकालने वाला है, जिसमें देखना यह दिलचस्प होगा कि आगे जातीय जनगणना को लेकर क्या कुछ होता है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।